स्वागत है जी सब का। अज होर एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर गल करन लई वीडियो बनाउन लगे हाँ, क्योंकि मैनू पिछले 2 दिनों तो इस विषय पर बहुत फोन आए। विषय की है कि जिवें थोनू सबनों पता है कि अजकल पंजाब दे विच दुधारू पशुओं के एक रोग बहुत ज़्यादा फैलिया होया, वो है लंपी स्किन डिजीज़। इसनों LSD भी कह दें, लंपी स्किन डिजीज़। मैं इस बीमारी बारे पूरे 4 महीने पहला लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी। तुसी मेरे प्रोफाइल पर जाके वीडियो भी देख सकते हो, तो उस टाइम किसी ने भी इसनों सीरीयस नहीं लिया। जब ये बीमारी सिर्फ मानसा जिला के कुछ पिंडों के शुरू हुई थी, बहुत घट गिणती दे विच, तो इस टाइम यह एक बड़ा रोग बन के पंजाब के पिंडों के विच, खास करके लुधियाने के जिहड़े जगराऊं साइड के पिंड ने, मोगा जिले के विच, ते खास करके मालवे खेते के विच बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ये बीमारी है कि किमें फैलती है, इस दे बारे मैं उस वीडियो दस्सिया सी, जो अज मैं फिर दोहराउन लग्या। ये जिहड़ी बीमारी है खास करके गावां ते मझां दी बीमारी आ। दुधारू पशुआं तो होर बकरियां भी आ जांदियां ने जिवें, पर उहनां दे विच नहीं पाई जांदी। ये सिर्फ मझां ते गावां दी बीमारी आ। इस दे विच पशु नूं हाई फीवर हुंदा, उस दे जिहड़े लिंप नोड्स ने ज़्यादातर जिहड़े फेस ते हुंदे आ उह सुज जांदे आ। शरीर दे उत्ते 1 जां 2 सेंटीमीटर दे दाने जिहड़े देखण ते स्पष्ट दिखदे ने उह बण जांदे आ। जे इह रोग भयानक रूप धारण कर जावे तां इह जानवर नूं बहुत ज़्यादा स्थिति तक कह लो भी खराब कर सकदा जां नुकसान पहुँचा सकदा। जानवर परमानेंटली डिसेबल हो सकदा। ते जे लत्तां ते भी ये फैलदी आ बीमारी, तां लत्तां ते ज़्यादा फैल जावे तां जानवर तुरन फिरन तो भी रह सकदा। बहुत केसिस दे विच देखे जानवर की मौत भी हो जाती है, जिहड़ी ये किसानां दे लई बहुत ज़्यादा इकनोमिक बर्डन लैके आउंदी आ। उहनां दा बहुत ज़्यादा नुकसान हुंदा, जानवर का नुकसान हुंदा, दुध का नुकसान हुंदा। ते इस तरीके नाल ये जिथे जिथे भी ये फैलती रही है खित्तियां दे विच पिछले टाइम तो, तां बड़ा आर्थिक नुकसान ये लैके आई आ। अज आपां कैटल ते जिहड़ा लंपी स्किन डिजीज़ आ उहदे की प्रभाव ने उहदी गल ना करिए, क्योंकि जो मैं थोनू पहलां दस्सिया सी वी मैनू अज कल बड़े फोन भी आए ने 2 दिनों दे विच भी ये बीमारी है जिहड़ी की ये घोड़ियां नू भी हो सकती है, क्योंकि कई घर के जिते घोड़े भी नहीं तो दुध वाले जानवर भी रखे हुए ने, पशु भी रखे हुए ने। हुण उहनां दे विच दुधारू पशुओं के आ चुकी है, उहनां नू डर सता रहा भी कि यह घोड़ियां नू भी हो सकती है। इत्थे मैं स्पष्ट करना चाहुंदा कि यह बीमारी सिर्फ मझां ते गावां की बीमारी आ, यह घोड़े नू कुछ नहीं कहिंदी, घोड़े दे विच कुछ नहीं आउंदी। एक वीर ने तो मैंने इत्थे तक कहा, कहिंदा जी एक जगह जिथे बीमारी सी घर दे विच उत्थे घोड़े नू भी हो गई, ये बिल्कुल झूठ आ। घोड़ियां की यह बीमारी नहीं हैगी, पर हाँ ये मनुखां नूं जरूर हो सकती है। ये एक जानवर तो दूजे जानवर दे विच मच्छरां दे कट्टण नाल जां जो होर जानवर जिहड़े डंग मार के एक तो दूसरे दे डंग मारदे ने उहनां दे कारण हुंदी आ, पर मनुखां दे विच ये बीमारी है जिहड़ी साह राहीं भी चली जांदी आ इनहेल करन दे नाल। इस दा जिहड़ा इनक्यूबेशन पीरियड आ उह 7 तों 19 दिन दा। ते तुसी जिन्हां नूं तां हो गई, देखो एक वायरल बीमारी है ये, इसका कोई इलाज नहीं, ते उत्थे तुसी सेकेंडरी इन्फेक्शन तो जानवर नूं बचाउण लई इस बीमारी ने तां 7 तों 19 दिन चले ही जाना, पर जानवर नूं जिहड़े ये नुकसान करदी आ सेकेंडरी इन्फेक्शन हुंदियां ने उहदे लई तुसी जानवर का ट्रीटमेंट कर सकते हो। होम्योपैथी दे विच इसका बहुत ही वधिया इलाज पिया, जिस दे विच देखिया गया 3 तों 4 दिनों दे विच उहदे नाल ये मुकम्मल तंदुरुस्त हो जाते हैं। पर जेकर देखिए भी जिहड़े पशु नूं बीमारी नहीं हुई उहनां नूं किवें बचाउणा, तुसीं जानवर दी जिहड़ी बीमारियां नाल लड़न दी ताकत आ उहनां दा इम्यून सिस्टम बूस्ट करो,
उस दे लई जानवर दे डाइट दे विच वाइटामिन सी ऐड करो। ते एक मैं अगे भी कहना हुंना भी सारे नो वधिया तरीका कि जानवरां दी जिहड़ी डाइट आ उस दे विच कुछ सहंजणे दे पत्ते मोरिंगा दे जिहड़े पत्ते ने उह ऐड कर दो। जानवर नूं एक वाइटामिन सी दा सोर्स मिल जूगा। वाइटामिन सी दे कारण ही जानवर दी जिहड़ी बीमारियां नाल लड़न दी ताकत उह वधदी आ। ते इस दे विच जे तुसीं जानवर नूं हाईटेक का टी इंजैक्शन लगा दिंदे हो जिसनों यह बीमारी नहीं हैगी तो उसकी बीमारी ना ना होने की जिहड़ी परसेंटेज वो काफ़ी बच जाती है। जानवर हाईटेक के टीके भी उतों बच सकता। तो घोड़ियां यह बीमारी नहीं होंगी। मैं फिर बार बार यह दोहरा रहा भी घोड़ियां की यह बीमारी नहीं हैगी। मनुखों हो सकती है जे तुसीं किसी जानवर को जाना अपने प्रोपर कपड़े पा के दस्ताने पा के मूँह बन के जाओ तो हाथों लाल दवाई देना पोटाशियम परमैंगनेट ना तो साबण देना धोवो जिहड़ा जानवर बीमार हुंदा उसनों बाकियों नूं अड कर लो। तो जो डॉक्टर थोनों दा प्रोटोकॉल दसते आ वो प्रोटोकॉल अपलाओ। जिवें कि हुण जो कैटल दे विच जिहड़ा दा प्रोटोकॉल अपनाया जाता उस दे विच जिहड़े सेकेंडरी इनफेक्शन तो इन्हां नूं 5 दिन लई जेंटामाइसिन दिता जाता तो माइलोनैक्स के इंजैक्शन दिते जाते हैं। जिहड़ा जख्म होए हुए ने उत्ते शरीर के जिहड़े अपने मैं कहना भी फिंसियां जां फोड़े बड़े बड़े रूप के होंदे ने उन्होंने बीटाडीन साफ करो तो फिर उन्होंने उत्ते बाद एंटीबायोटिक कोई आप क्रीम बर सकते हैं। तो जिवें मैं थोनों दसिया भी यह मच्छरों के कट्टण नाल भी हुंदी आ जां कोई होर इनसैक्ट बाइट ना हो सकती है। उस दे लई तुसीं अपना जिहड़ा वातावरण आ जिथे जानवर बन्ने हुंदे ने ते उन्हां नूं साफ रखो ताकि मच्छर उत्थे ना आ सके। खड़े पानी ते मच्छर ज़्यादा हुंदा। ते जेकर थोड़े वाड़े दे विच किते भी जिथे जानवर नूं बन्नदे उत्थे मच्छर है तां तुसीं मैं पिछे भी महीना पहलां भी शेयर कीती सी जिहड़ी असीं मक्खी और मच्छर तों स्प्रे बनाउने आ घोड़ियां दे लई खास करके वो बिल्कुल एक कैमिकल फ्री आ। वह तुसीं मझां दे विच भी जां गावां दे विच भी यूज़ करदे हो घोड़ियां ते वरती जांदी आ ते वो बिल्कुल कैमिकल फ्री आ कोई उस दे विच जहर नहीं। ते 18 तो 24 घंटे थोड़े जानवर दे कोले मक्खी मच्छर नहीं आउंदा। ते जेकर जानवर उसनों चट भी लैंदा तुसीं मूँह ते भी ला सकते हो तो उस दे नाल जानवर का हाजमा ही दुरुस्त होगा वो कोई जहरवानी करेगी। ते तुसीं एक देखोगे कि जिवें घोड़ियां दे विच जदों असीं उह दवाई यूज़ करते हैं उहदे स्किन उत्ते तां उहनां दे स्किन च शाइन आउंदी है क्योंकि उहदे विच एसेंशियल ऑयल ने जिहड़े स्किन की स्ट्रेंथ जिहड़ी अपनी हैल्थ उहनूं बूस्ट करते हैं। इस करके जे किसी नूं उसकी लोड़ आ तां तुसीं मेरे नाल संपर्क करके वह मंगा सकते हो। वह दवाई 1 लीटर की पैक च आउंदी है ते 1 लीटर एक जानवर ते आराम नाल 2 तों 2.5 महीने कढ जांदा जिहड़ा हुण मच्छर दा टाइम बाकी रह गया। इसलिए फिर मैं वारी वारी दोहरा कि घोड़ियां की बीमारी नहीं घोड़ पालकों डरन की लड़ नहीं पर थोड़े घर दुध वाले जानवर भी ने दुध वाले पशु भी ने उन्होंने बचाने की कोशिश करो। जिथे तो यह बीमारी आ गई आ उत्थे नूं प्रोटोकॉल जो बनया हुआ उस दे कौन टैकल करो पर जिथे नहीं बीमारी आई तो उत्थे सावधान हो जाओ। जदों कोई भी बीमारी एपीडेमिक या पैनेडिक बन के फैलती है तो यह जरूरी नहीं हुंदा कि वह बगाने के घर तक सीमित रहो थोड़े घर भी आ जाओ क्योंकि मैं अपनी लाइफ के विच चीज़ां देखियां ने कि जिवें मूँह खुर FMD फुट एंड माउथ डिजीज तो गल घोटो की बीमारी फैली सी या हुण भी पिछे जे साल भी फैली सी। तो मैं ये गल बड़ी पुरानी कर रहा ये गल तकरीबन 1999 या 2000 दे विच साढ़े पिंड जे बीमारी पई सी ते 90% जानवर दुधारू पशु खत्म करते सी ते असी दिन दे विच तकरीबन 50-60 जानवरों नूं दफनाउंदे हुंदे सी। ते उस टाइम किन्नियां डाक्टरां दे टीमां साढ़े पिंड च लगे नहीं है फिर भी 1.5 तों 2 महीने बीमारी नूं कंट्रोल लग गए सी। ते ये जिहड़ी बीमारी आ ये उस तों भी तेजी नाल फैलण वाली बीमारी आ जिहड़ी लंपी स्किन डिजीज़ आ खास करके जदों हुण टैंपरेचर दे विच ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा वधी हुई है नमी बहुत ज़्यादा वधी हुई आ तां ये जिहड़ा हॉट एंड ह्यूमन टैंपरेचर आ ये इस बीमारी नूं पनपण दे लई बहुत वधिया एनवायरमेंट प्रेजेंट करदा। ते जो मैं थोनों प्रकोशनस दसियां ने या थोनों ट्रीटमेंट्स दसियां ने इहदे विच होमोपैथी दे डिल्यूशन कई कंपनियां वल्लों इंट्रोड्यूस करते जां तुसीं आप भी बना सकते हो मैनूं फोन करो ते
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ 'ਚ ਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਪਰੇਅ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਊਗੀ। ਇੰਨੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।